गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस अगेन। एज वी हैव कंटिन्यूड विद आवर फर्स्ट सेकंड लेसन ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थ्री ऑफ देम, लैंड, सोयल एंड वाटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग वन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। First of all, make the habit of these online classes regularly, go through seriously, because we don't know when we are resuming our classes physically or practically. So we are going to proceed now with our topic, that is natural vegetation and wildlife. First of all, what is natural vegetation? First, what is vegetation? Vegetation means plant life. We have used the word vegetables. From where we are going to get those vegetables? Either from plants, trees or creepers. So vegetation kya hai? Plant life, ped pode. Natural, which grow naturally without human interference. Jo ped pode humne draw nahi kiya ho, hamara koi interference nahi raha ho, prakritik taur par develop hue in the forest or in the mountainous regions, jahan ki inaccessible areas hai, apne aap develop hote hain, तो क्या है? नेचुरल, जिनको कि हमने नहीं लगाया। हमने लगाया उसको हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन, पौधारोपण, हमने बढ़ाया इसको। तो नेचुरल वेजिटेशन कौन सा? विच आर नॉट डेवलप्ड बाय अस, डेवलप्ड नेचुरली विदाउट अवर इंटरफेरेंस, ये तो है नेचुरल वेजिटेशन। एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ द प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, वो पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर पशु पक्षी जो कि डोमेस्टिकेटेड। हम बहुत सारे पेड़ पौधे भी ऐसे हैं, आप सोचते हो कि पेड़ पौधे क्यों, डोमेस्टिकेशन का उससे क्या मतलब? बहुत सारे पेड़ पौधे हम बहुत सारे लगाते हैं हमने आस पास अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, लेकिन बहुत सारे केवल ऐसे हैं जो केवल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम डेवलप नहीं करते। क्यों? हो सकता है हमें उनकी या तो इंपॉर्टेंस नहीं पता या फिर वो हमारे यहाँ डेवलप नहीं होते। तो ये जो हमारे पास जीव जंतु पशु पक्षी जो कि हम घर पर नहीं पालते हैं, वो क्या है? नहीं, और क्यों नहीं पालते हैं? दे आर नॉट सो यूजफुल व्हाट द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर, और नॉट पॉसिबल टू डोमेस्टिकेट बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स, जो उनकी आते हैं उनके अनुसार हम, हो सकता है जैसे हम इनमें भी कार्निवोरस जो मांस खाने वाले जीव जंतु, तो उनको हम इस प्रकार नहीं रह सकते, तो वो क्या है? वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में कौन से आएंगे? वो जीव जंतु जिनको कि हम घर पर पालते नहीं, विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। अब हमारे यहां लास्ट लेसन में हमने डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ अर्थ पढ़े थे कि हमारी पृथ्वी पर कितने सारे प्रकार के स्पेयर्स हैं अलग अलग। इसमें हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर, विच द हार्ड अपर लेयर ऑफ द सर्फेस की हमारी ऊपरी सतह है। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट डोमेन्स, आइदर इट्स लेक्स, रिवर्स, ओशियन, सीज, व्हाटएवर इट इज। तो हमने फिर पढ़ा था किसके बारे में? हाइड्रोस्फेयर, जो कि पानी की अवेलेबिलिटी। तीसरा था हमारे एटमोस्फेयर, द अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेज एंड एयर, जो हवा है, डिफरेंट प्रकार की गैसेज हैं हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में। वेयर ऑल दीज थ्री इंटरेक्ट इन ए नैरो जोन एंड द लाइफ इज पॉसिबल, जहां तीनों मिलने के बाद जीवन संभव हो, क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ आर पॉसिबल ओनली इन बायोस्फीयर, ये कहां पॉसिबल है? केवल बायोस्फीयर में। अब एक और वर्ड था लास्ट लेसन में, फर्स्ट लेसन जो था हमारा ज्योग्राफी का, उसमें इकोसिस्टम। ऑल द प्लांट्स एनिमल्स आर इंटरलेटेड, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु और जहां भी जीवन है वो आपस में संबंधित भी है और दूसरे के ऊपर निर्भर भी है। तो दोस इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एज वेल एज इंटरलेशनशिप इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जो पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का आपस में एक दूसरे को भरने पर होना है, वही क्या है? इकोसिस्टम। अब हमारे यहां नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? व्हाई वेजिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाई वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब वेजिटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू Why it is important for us? पहले पढ़ेंगे वेजिटेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, पेड़ पौधे जीव क्यों जरूरी है। अब इसमें देखो,
most of the things at our home, either table, chair, etc., or our beds, are made of timber. ज़्यादा लकड़ी से बने हैं. From where we are going to get the timber? Either from forests or different trees. विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से मिलेंगे हमें. Then after shelter, it provides shelter to shelter, रहने की जगह. और वो किसकी? We are not residing inside the forest. हम तो रहते नहीं हैं. Then they provide shelter to different types of birds and animals. विभिन्न प्रकार के हमारे जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे हैं जिनको कि फॉरेस्ट के अंदर शेल्टर मिलता है, पेड़ पौधों के अंदर उनको रहने की जगह मिलती है. देन आफ्टर द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है. फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दिस? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज द ट्रीज कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन. देन आफ्टर डेवलप सोयल फॉर क्रॉप्स. उसके बाद जो हमारी मिट्टी है फसलों के लिए उपयुक्त होती है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेशन. हाउ? लास्ट टाइम जब हमने सोयल पढ़ा था तो हमने एक वर्ड पढ़ा था ह्यूमस कंटेंट, HUMUS, ह्यूमस कंटेंट, विच इज पार्शली डीकम्पोज मटेरियल. और डीकम्पोजिशन किसका? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब रिमेन्स ऑफ प्लांट्स आ गया वर्ड, कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके जो पेड़ की पत्तियां हैं या फिर ट्रंक वगैरह हैं या फिर जितनी भी सारे पेड़ पौधों से रिमेन्स उनके तो बच जाते हैं. उसके बाद क्या होते हैं? पर अर्थ के नीचे जाके डीकम्पोज जाते हैं. दे प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट टू द अर्थ और अल्टीमेटली फर्टिलिटी टू द सोयल. और अल्टीमेटली हमें क्या मिलती है? फर्टिलिटी मिलती है, उपजाऊपन मिलता है. तो हमारे यहाँ वेजिटेशन किसमें हेल्प करता है? फर्टिलिटी बढ़ाने में सोयल की. और अल्टीमेटली देन आफ्टर वी आर गोइंग टू गेट द क्रॉप्स विच आर एसेंशियल फॉर अस. उसके बाद वो फसलें जो हमारे लिए जरूरी हैं वो डेवलप होती हैं. देन आफ्टर शेल्टर बेल्ट्स. हमने कंजर्वेशन ऑफ सोयल में पढ़ा था इसको, कंजर्वेशन ऑफ सोयल में पढ़ा था कि टू स्टॉप द विंड स्पीड और टू लोअर डाउन द स्पीड ऑफ विंड एंड टू प्रिवेंट द सोयल इरोजन थ्रू विंड. अगर हमारे यहाँ हवा से मिट्टी का कटाव तो उसको रोकने के लिए वी आर सपोज टू प्लांट द ट्रीज एट द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड. खेत की जो बाउंड्रीज है उनके चारों तरफ हम क्या करें? पेड़ पौधे लगा दें. हवा आएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो अपने साथ मिट्टी को कम उड़ाएगी, और जो उड़ाएगी वो बाउंड्री तक रह जाएगी क्योंकि बाकी फिर पेड़ पौधे लगे हुए. तो सेंटर बेल्ट अगेन किसके बने हुए? सेंटर बेल्ट किस चीज के करते हैं हम? वी आर गोइंग टू प्लांट द ट्रीज. देन आफ्टर डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी आर going to get from these medicinal plants. तो medicinal plants जिनसे की दवाइयां बनती हैं. तो विभिन्न प्रकार के हमारे पास ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि हमें medicines provide कराते हैं. पतंजलि बाबा रामदेव को बहुत लोग सुनते भी हैं, observe भी करते हैं और उसको follow भी करते हैं. तो आपने देखा होगा वो बहुत गुण बताते हैं एलोवेरा के, उसके बाद गिलोय के. तो सारे हैं क्या? कहां से मिले? वेजिटेशन का ही तो पार्ट है. उसके बाद मलेरिया, जो कि पिछले अगर एक सेंचुरी की बात करें तो उसमें मोस्ट डेडफुल डिजीज, जो कि ज्यादातर लोगों को मार देने वाली बीमारी थी, उसके लिए मेडिसिन कहां से डेवलप हुई? सिंचोना ट्री से. और वो ट्री फॉरेस्ट में डेवलप हुआ तो फिर कुनीन की टेबलेट बनी उससे. तो मेडिसिन प्लांट के लिए. उसके साथ साथ जब हमारे सर्दी जुकाम होता है तो वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बेसिल तुलसी, तुलसी के पत्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं. वेजिटेशन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आप नोटबुक बुक वगैरह बनाते पेपर, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट दैट पेपर फ्रॉम पाइन चीड और पाइन ट्रीज. तो हमारा पेपर भी कहां से? पेड़ पौधों से. तो इतनी सारी जरूरतें और बहुत सारी और भी हैं इनके अलावा जो कि हमारी किसे पूरी होती हैं? पेड़ पौधे से पूरी. तो इट हाउ नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल दीज फैसिलिटीज, टू गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब सेकंड पार्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ. डेफिनेशन हमने पढ़ ली वाइल्ड लाइफ की, द एनिमल्स बर्ड्स एटसेट्रा विच कांट बी डोमेस्टिकेटेड. एनिमल्स बर्ड्स हैं वो जो कि हम पालते नहीं है, लेकिन किस प्रकार हेल्पफुल है हमारे लिए? ये हमारे लिए हेल्पफुल है. पहला तो देखो पोलिनेशन. इसके अगर एक्चुअल डेफिनेशन आप, इट इज द वर्ड ऑफ बायोलॉजी का वर्ड है, पढ़ोगे तो उसमें टू प्रोवाइड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल प्लांट टू तो स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट्स फॉर रिप्रोडक्शन. पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन की जो
फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करने के लिए पोलिनेशन। लेकिन इसमें वाइल्ड लाइफ कैसे हेल्पफुल है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स विच सिट ऑन ए पार्टिकुलर फ्लोवर एंड टेक द नेक्टर टू द अनदर फ्लोवर। नेक्टर ऊपर का पराग आप हल्का हल्का बिल्कुल बारीक देखते हैं उसमें, जैसे कई बार आप हाथ लगाते हैं बारीक येलो या व्हाइट कलर का उसमें हाथ में लग जाता है आटे की तरह, तो उसको वो क्या करता है कि अगर हम हनीबी का एग्जाम्पल लें, वो जब किसी पार्टिकुलर फ्लोवर के ऊपर बैठती है जस्ट टू गेट एट नेक्टर, जो उस नेक्टर से जो भी मिठास या रस प्राप्त करने के लिए उसके बाद वो दूसरे फ्लोर पर बैठेगी, तो उसके पैरों में उस नेक्टर का जो पार्ट है दूसरे में गया और वो रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, ये कहलाता है पोलिनेशन। अब उसके बाद है स्केवेंजर। स्केवेंजर कौन सा होता है, जो हमारे यहां क्लीनिंग का काम करे, साफ सफाई का काम करे या डेड बॉडीज को रिमूव करने का काम करे। और इसी में वाइल्ड लाइफ कैसे हेल्पफुल है, आप की अगर पीछे की जनरेशन आपके पेरेंट्स से अगर आप पूछेंगे तो उन्होंने बहुत सारे देखे होंगे, आजकल तो नहीं है वल्चर गिद्ध, आप उनको आइदर ऑब्जर्व इन जू और वेयर देयर आर कंजर्वेशन सेंटर्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स फॉर देम। अगर कहीं उनको रिजर्व कंजर्व करने के लिए अलग अलग जगह डेवलप की गई हो, जैसे कि एक हमारे यहाँ कौन सी है भारत में पिंजौर हरियाणा में, जहाँ की इनकी नेचुरल सेंटर बनाया गया फॉर ब्रीडिंग ऑफ वल्चर्स, की संख्या को बढ़ाया जा सके। क्यों, ये नेचुरल स्कैवेंजर का काम करते हैं, नेचुरल प्राकृतिक रूप से पक्षी क्या करते हैं, डेड बॉडीज जो डेड एनिमल्स हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है, वो क्या करते थे उनको साथ ही साथ उनको उनके ऊपर सर्वाइव करते थे, उनके लिए उनको खाते थे, और उसके बाद हमारे यहाँ जो एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन होता था कि वो सड़ते थे उस चीज से बचा लेते थे, तो नेचुरल स्कैवेंजर का काम करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं, तो उनको भी बहुत सारे बर्ड्स हैं वो खाते हैं, तो वो हमें किससे बचाते हैं कि हमारी फसलों को बर्बाद होने से बचाते हैं। देन आफ्टर वर्क एज डीकम्पोजर, और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे कीड़े ऐसे होते हैं, आप कई बार देखते हो कोई भी चीज जमीन के अंदर गिरी उसके बाद वो धीरे धीरे डीकम्पोज कैसे होगी, उसमें जो डिफरेंट बैक्टीरिया है कीड़े मकोड़े उसको डीकम्पोज करने में मदद करते हैं, तो डीकम्पोजर का काम भी करते हैं, और डीकम्पोज होगा तो फर्टिलिटी आएगी। तो ये था वाइल्ड लाइफ का रोल। अब हमारे यहाँ ये जो वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण, कौन सा कितना कहाँ होगा, यानी पेड़ पौधे कहाँ ज्यादा होंगे कहाँ कम होंगे, वाइल्ड लाइफ कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस पर डिपेंड करता है, वाइल्ड लाइफ डिपेंड ऑन वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन। अब जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है, वेजिटेशन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करता है, कहाँ कितना टेम्परेचर रहेगा और कितनी रेनफॉल रहेगी, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी। जहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, अबंडेंट टेम्परेचर रहेगा, पर्याप्त हमारे पास टेम्परेचर रहेगा, फॉरेस्ट डेवलप डेंस, वहां गहरे वन होंगे। तो जहां हमारे यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां गहरे वन है, जैसे ही वो अवेलेबिलिटी थोड़ी और कम होती है तो उसके बाद वो किसी में बदल जाते हैं, हमारे यहाँ स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द ट्री, स्टंटेड रुक जाना, थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, छोटे पौधे रह जाते हैं और धीरे धीरे ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं। अगर और ज्यादा मॉइस्चर कम हो, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो, डेजर्ट एरिया जहां केवल हमारे पास क्रब्स, जहां केवल झाड़ियां वगैरह डेवलप होती है, जैसे कैक्टस ट्रीज डेवलप होते हो, और अगर हमारे यहाँ तुंद्रा रीजन कौन से है, वेयर देयर इज आइस अवेलेबल ओनली, हाई एल्टीज और हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचे इलाके हैं वहां आप मोसिस एंड लाइकेन, ये क्या आते हैं कि अगर हमारे कई बार देखो बहुत सारा मॉइस्चर हो, उसके बाद आप देखते हो ग्रीन सीट लेयर बन जाती है, तो केवल इस प्रकार की चीजें वहां डेवलप होती है। अगर ज्यादा विंटर रीजन, ज्यादा ठंड ज्यादा होती है, जो पोलर रीजन है उसके अंदर या हाई एल्टीट्यूड है उनमें, तो ये हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, ये हमारा डिपेंड करता है मॉइस्चर और टेम्परेचर के ऊपर। और वाइल्ड लाइफ किस पर डिपेंड करती है, फॉरेस्ट के ऊपर, कि जिस प्रकार के फॉरेस्ट अवेलेबल होंगे उनके अंदर उसी प्रकार के सर्वाइव करने वाले एनिमल्स होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में ये सारे तो हमारे यहाँ किस प्रकार जरूरी है, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ क्या है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व देम और हाउ वी कैन कंजर्व देम, हमारे को कंजर्व करना क्यों जरूरी है और किस प्रकार को कंजर्व कर सकते हैं। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर लेसन सेकंड ऑफ ज्योग्राफी, टिल द टाइम गो थ्रू द लेसन केयरफुली, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग यू कैन आस्क मी अगेन।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।